श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो अभी हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, बैग पैक हो चुके हैं और बस हमारा तैयार होना बाकी है। हम कहाँ जा रहे हैं गाइज? हम जा रहे हैं अपने उत्तराखंड। तो आज की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जहाँ जहाँ पहुँचेंगे, जिस जिस स्टेशन में पहुँचेंगे, आप लोगों के साथ सब शेयर करेंगे। तो अब आप लोगों को एक आध दिन उत्तराखंड की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए हमारे सफर को। तो अभी मैं जैकेट पहन के रेड पैट हो गई हूँ और हमें देखिए बाबू ध्यानी जी भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और काना नीचे चला गया। चलो चलो, मेरे को यही नहीं दिखता ये इतनी मोटी जैकेट है। चलो अब मास्क उसको पकड़ो, बड़ा चलो। राघव, अरे देखो तो सही। मीरापुर यहाँ पे उतरेंगे, चाय पियेंगे, है ना। चलो गाइस, बहुत ज्यादा धुंध हो रखी है और ये चले गए हैं दीदी और चल चल गाइस, हम पहुँच चुके हैं, उतर चुके हैं। तो अभी चलते हैं होटल में, थोड़ी देर के लिए होटल लेते हैं। हाँ ये देखिए, हम जा रहे हैं होटल की तरफ और ये आ रहे दीदी और ये नन्ना मेहमान, पहली बार जा रहा है। हाँ नन्नी नानी के गाँव बोली 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 मोची उठ गई। इस रूम देखने चलते हैं, बाकी सब नीचे भरत भूमि होटल। चलो हाँ ठीक छे, ये ठीक है, ये साफ सुथरा छे। हाँ इसने ना हमें 3 रूम लेने को बोला और अभी होटल गंगा में हम रह रहे हैं। अभी हम होटल में 2-3 घंटे आराम करेंगे और फिर, और ये कुकरेती होटल है सामने, ऐसे होते हैं यहाँ होटल। हाँ गाइस, ये है रूम, अभी हमने ये रूम लिया है और दूसरा भी रूम लिया है। उधर जेंट्स लोग जाएंगे, एक आध बच्चे जाएंगे। सब एक बार हाय कर दीजिए। हाय 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 हाय, हम नाश्ता करने चल रहे हैं। हाय कर दो, हाय कर दो। हड़ 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 उल्टी हैं। हाँ बस सुन के भी अजीब लग रहा है। स्टेशन के सामने ही हमारा होटल है, ये है कोटद्वार का बस अड्डा, ये है कोटद्वार का व्यू और बस यही बस अड्डा है यहाँ पे। तो कोई सतपुली जा रही है, कोई गाड़ी पुल जा रही है, कोई धुमाकोट जा रही है, लिखा है इसमें पौड़ी। यहाँ पे नंदी महाराज खड़े हो रखे हैं, झाड़ू वाले यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा लग रहा है ये, तो आ गए हम नाश्ता करने के लिए। आओ बच्चे इधर गाइस, हम दूसरी तरफ आ गए हैं। इधर बैठा, अरे आराम से टेबल के नीचे ना चले जाए। दूध आ चुका है, पराठा खाना का। और अभी गाइस ये हमारा भी आ चुका है और ये दही है और एक बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा है। तो हमने मंगाए यहाँ पर पनीर और प्याज के पराठे और बहुत अच्छा लग रहा है इस सफ़र में गाइस। ये सफ़र ना याद रहेगा हमें, क्योंकि कभी कभार ऐसे मौके आते हैं। तो यहाँ पर मेरा भाई भी आ चुका है, यानी कि ताऊ जी का लड़का, और वो हरिद्वार से कोटद्वार में पहुँचा है, हम दिल्ली से पहुँचे हैं। तो ये देखिए शिवी को खिला रहे हैं, लेकिन शिवी नहीं खा रहा है। मैंने सब देख रही हूँ, तुम दोनों भाइयों को। ये देखो बाहर का नजारा दिखाती हूँ। हम नाश्ता करके होटल से आ गए हैं अपने होटल रूम में और अभी जाने की तैयारी हो रही है, और गांव से जो गाड़ी आई है ना, तो वो भी आ गई है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं गांव की जर्नी में और आप लोगों को अब दिखेंगे पहाड़ी पहाड़। हमारे बैग चले गए हैं ये रिक्शे में, अभी हम पैदल जा रहे हैं। पर मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये पुरानी गलियाँ हैं हमारी कोटद्वार की। तो इधर ना सारी सब्जियाँ लगी होती हैं,
और इधर ही सारी दुकानें भी हैं राशन की, बुक्स की सारी। ये देखिए नंदी महाराज यहाँ पे भी। ये है कोटद्वार का झंडा चौक है। अभी हम जा रहे हैं गैराज की तरफ। हम पहुंच चुके हैं टैक्सी गैराज में और ये वाली है हमारी गाड़ी। ये सभी खड़े हो रखे हैं। तो हमारी है दो गाड़ियां, बहुत सारे मेहमान हैं हमारे यहाँ पर खड़े और एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे बैठेगा कौन कहाँ पे बैठेगा। थोड़ा सा यहाँ कोविड नियमों का भी पालन किया जा रहा है। यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही है और अभी ये सब बैठ चुके हैं इधर से पीछे की तरफ। जय श्री राम बोलो। जय बद्री विशाल। जय सिद्ध बाबा। नन्ना मेहमान अभी पहली बार जा रहा है नानी के गाँव। अली 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 नन्ना मेहमान। गाइस ये कॉलेज का रास्ता था, ये पेट्रोल पंप है। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है। ये बहुत भयंकर नदी आती है बरसात में। ये गेट है गढ़वाल का, यहाँ से शुरू हो जाता है ना। हाँ सिद्धबली मंदिर है। उत्तराखंड के कौन से एरिया में है अभी? हाँ। हमने सिद्धबली क्रॉस किया है अभी। डाली डाली तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। गाइस इसी पहाड़ में माता का मंदिर है दुर्गा देवी का, दिख नहीं रहा है सर। ये देखिए जय माता दी। नदी के किनारे हैं, नीचे नदी है, बहुत बड़ी खाई है और मंदिर नीचे है। ये दुगट्टा पहुंच चुके हैं, छोटा सा कस्बा टाइप का है, कोटद्वार से आगे दुगट्टा। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सिंधी खाल। हाँ ये देखिए गाइस यहाँ पे ना ये मंदाल नदी है, ये बरसात में ना बहुत बढ़िया आती है। देखिए हम पहुंच चुके हैं ढोटियाल में। ये देखिए उतर चुके हैं सभी और मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने वाली है। यहाँ के ना फेमस, बहुत फेमस है छोले। ये देखिए ना हम बोल रहे ना क्योंकि ना बोल रहे कैसे हो रहे छोले, कैसे हो रहे अच्छे मामा जी? मालिक साहब जी हाँ छोले कैसे हो रहे बता दो मम्मा को। अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। ये कौन सा नींबू है दिखाना? बड़ा वाला नींबू, बड़ा वाला है। ये देखिए गाइस सब। तो गाइस थोड़ी सी उल्टी भी आ गई थी मेरे को और अभी छोले खा लिए हैं टेस्टी वाले। और ये हम ढोटियाल में रुके हैं, यहाँ पे आग जलाई हुई है ये देखिए, और दाल भात सारा कुछ मिलता है यहाँ पे खाना, जो खाना है हमें। और साफ सुथरा मतलब एकदम शुद्ध भोजन मिलता है यहाँ पे। गाइस ये जंगलात वालों का टेंडर होता है ना, जंगलात वालों के अंडर में है ये दुकानें सारे, तो इनका टेंडर पड़ता है जितने साल का भी इनको मिलता होगा इन लोगों को। ये रोड के किनारे सारे होटल यहाँ से वहाँ तक है, जहाँ पे ट्रक खड़ा है यहाँ पर बसें रुकती है हमारे गांव से आने जाने वाले। गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और अब सीधा रथवाड़ा आएगा और रथवाड़ा से गाड़ी फुल से हमारा गांव। गाइस ये देखिए हम पहुंच चुके हैं रथवाड़ा में। छोटी नानी इधर ही रहती थी, तीसरे नंबर वाली नानी। हाँ बेबो दीदी की नानी। हाँ
अरे हिरन 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 ओ वो जो गांव दिख रहा है ना वो शिवानी दीदी का गांव है। देखो शिवानी दीदी का गांव है वो, शिवानी दीदी जिट्ठी रहती है वहाँ। हाँ वो गाड़ी पुल का वो है ब्रिज। जय माता, आगे से दर्शन होते हैं, आगे से अच्छे से हो जाते हैं। यो कांडा नाल चसरा वो बना बीरो बाड़ी अभी तो लेकिन ब्याह था मलकोड़ हां हां यंग दी हां पहलोर सफेद और हां अच्छा क्या तुम मैं चन्नी में जाकर बाची से मिल लूंगा। गुआरा दा लेडी मिरन हां मेलदार हां हां कोई छोटी दी मेलदार रे जो बूढ़ा दाग गाइज हमारे उत्तराखंड में इसी तरह की रोड होती है और कोटद्वार से लेके हमारे गांव तक ऐसी रोड है, जंगल के बीच रोड है और अगल बगल गांव भी है। मतलब ये प्रॉपर जंगल नहीं है, इसके ऊपर नीचे गांव होते हैं और बहुत आनंद आता है जब हम ऊपर की तरफ आते हैं गाड़ी से तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आप लोगों को घर भी दिखाई दे रहे होंगे और ये साल के जंगल है और इन जंगलों को काटा नहीं जाता है और फॉरेस्ट विभाग के अंडर में होते हैं ये जंगल, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, टाइगर होता है, बाघ होता है, शेर होता है और हिरन होते हैं, हिरनों का झुंड निकलता है, हाथियों के झुंड निकलते हैं, कई बार वो रोड में भी आ जाते हैं और सफ़र का बहुत अच्छा आनंद आता है। और जब रात में थोड़ा सा रिस्क होता है, बाकी ऐसी कुछ डर नहीं होती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दियोड़ और ये रोड ऊपर वाली रोड मेरे ससुराल को जा रही है और ये नीचे वाली रोड मेरे माइके को जा रही है। ये आ गया पुल ब्रिज और ये मंदाल नदी है। ये बहुत भयानक रूप ले लेती है बरसात के टाइम पे, मतलब इसको तैरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये है कांडा नाल गांव, ऐसी गांव बसते हैं हमारे नदी के किनारे और रोड है ये रोड पे। तो ये देखिए बकरियां चुगाने लोग आ गए हैं, अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। इतनी ठंड में भी यहां पर बहुत सारे झरने हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। ये हमारा मार्केट है गांव से 2 किलोमीटर दूर और यहाँ पर ये बहुत पुराना मार्केट है। तो अभी हम अपने मार्केट में पहुँच चुके हैं और अभी हम प्रॉपर अपने मार्केट में पहुँच गए हैं और अभी चलते हैं ऊपर की तरफ जिधर हमारा गांव है। ये देखिए यहाँ पर हम चक्की में आटा पिसाने, मतलब गेहूँ पिसाने के लिए आते थे और बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो ये देखिए ये हमारा जहाँ हमारा बचपन बीता हम वहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए रोड के किनारे घर बने हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे और अभी हम अपने गांव की तरफ मुड़ जाएंगे, मतलब जहाँ पर से हमने मुड़ना है। तो एक रोड ऊपर को चली जाती है और एक रोड इधर गांव की तरफ मुड़ जाती है। ये हमारा गाड़ियों पुल है और हम यहाँ पे बचपन से आते थे, मतलब मार्केट ही यही है हमारा। और ये देखिए बस पहुंचने वाले हैं 1 सेकंड में, आप लोग स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ये देखिए एक रोड ऊपर को जा रही है ना और ये आ गए हम ब्रिज की तरफ। ये देखिए बस ये थोड़ा सा ऊपर में है गांव, दिख भी रहा है। ये देखिए इधर हमारे खेत हैं, रोड के इस पार भी हमारे खेत हैं। गाइस ये हम उतर चुके हैं, पूरा हमारा गांव, ये सबके सब उतर चुके हैं और ऊपर से बैग उतारने बाकी रह गए हैं। और अभी बारिश भी आने वाली है तो फटाफट से हमें इधर जाना पड़ेगा। रास्ता ये है और इधर ये देखिए जंगल है, ऊपर रोड जा रही है द्वारी की तरफ। ये देखिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, इधर आओ चलो बच्चों इधर को चलो। और ये आ गई मेरी मम्मी, ये पता नहीं किसी की गाड़ी खड़ी हो रखी है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। तो गाइस कबू आ गई है यहाँ पे, यार देखो, अरे तुम क्या के नहीं आते, तुझको बुलाए रे मुसाफिर। और चुप पहल भाजी था लगाना पुना, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। कुछ नहीं, सबकी एक एक करके बादलों के डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। रास्ता है नीचे वाला, इधर जाना है हमने जिधर बाबू जा रही है। ये हमारी कलामणी है, बहुत बड़ा पेड़ था, विशाल वृक्ष था, ये हमारे गांव का पहला घर नीचे से दूसरा है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे और चाय बन रही है हमारे लिए, तो अभी चाय पियेंगे। और सबसे मिल चुके हैं, कुछ से मिल चुके हैं, कुछ से अभी नहीं मिले हैं, तो जो भी सामने आता जा रहा है सबसे मिलते जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे बैठे हैं, आराम से चाय पियेंगे गर्मा गर्म घर के दूध की, यानी कि मतलब अपनी गाय के दूध की। तो चलिए अभी चाय बन रही है,